Again. Yeah. I'm the host. And you are my host. That was so good! Don't I know that lecture, Unana? Welcome to Sharda's World. Sharda ki duniya mein aapka swagat hai. It doesn't even make sense what I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now, and it could fade away. Hello friends, welcome back to my channel. Kaise ho aap sab? I hope aap sab theek hi hoge. Aur aap sabko Merry Christmas. तो यहीं पे हमने कल का ब्लॉग समाप्त किया था और यहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है. तो ये देखिए बैलून सारे दिनेश जी ने फुला लिए हैं और अब इसको सेट करना बाकी है. तो हम सब लगे हुए हैं सेट करने में. तकरीबन एक घंटे तक सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ऑरेंज जूस में सोक कर लिया था और अब मैं दही ऐड करूंगी. तो देखिए इस कप से मैंने आटा लिया है, माप वही रहेगा, हाफ कप मैंने दही ऐड कर दिया है. कल के ब्लॉग में मैंने आप सबसे शेयर किया था ऑरेंज जूस में मैंने 2 चम्मच टूटी फूटी टेबलस्पून 2 टेबलस्पून काजू 2 टेबलस्पून बादाम और 2 टेबलस्पून मैंने चेरी ऐड कर दिए थे, 2 टेबलस्पून किशमिश भी, और उसको 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था. उससे आगे का प्रोसेस मैं आप सबसे अभी शेयर कर रही हूँ. तो फिर मैंने इसमें हाफ कप मेपल सिरप और हाफ कप ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करना है. मैंने चीनी यूज नहीं किया है इसीलिए मेपल सिरप यूज किया है. अगर आप चीनी खाना चाहते हैं तो हाफ कप चीनी ऐड कर दें. और फिर मैंने इसमें ब्लैक करंट ऐड किया है 2 टेबल स्पून. ब्लैक करंट में स्टार्टिंग में ऐड करना भूल गई थी इसीलिए अभी ऐड कर रही हूँ, नहीं तो जब हमने ड्राई फ्रूट्स को सोक किए थे ऑरेंज जूस में उसी के साथ ब्लैक करंट को भी सोक करना था. 1/4 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया और अब मैं इसमें ड्राई मिक्सचर ऐड करूंगी. तो ये देखिए 1 कप भर के मैंने आटा ले लिया है और इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है और बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से आटा में दोनों को मिक्स कर देना है और फिर आटा को छान लेना है. और मैं फ्रूट केक का थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बना रही हूँ फ्रेंड्स. एक बार आप सब ट्राई करके जरूर देखना, बहुत ही औसम बनता है. फिर सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करके फिर ये देखिए केक टिन को मैंने ऑयल से ग्रीज कर लिया था और बेस में बटर पेपर एडजस्ट कर दिया है. बैटर को केक टिन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और एक बार अच्छी तरह से सेट कर लेना है. और इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सा काजू बादाम और चेरी से गार्निश कर दूंगी. मैंने बादाम को यहाँ पर ऐसे ही यूज किया है, आप चाहे तो ब्लांच करके यूज कर सकते हैं. तो ये देखिए चेरी को मैंने एडजस्ट कर दिया है और अब मैं बादाम को भी एडजस्ट कर दूंगी. अगर आप सबको इस केक की डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैंने फूड चैनल पर दी हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और फिर मैंने इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 40-45 मिनट तक बेक कर लिया था. मैंने 45 मिनट तक बेक किया था, वैसे डिपेंड करता है माइक्रोवेव की कैपेसिटी पर. और ये देखिए 45 मिनट के बाद कितना परफेक्ट केक बेक हुआ है. फिर मैंने इसको ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद
अब देखिए मैं डिमोल्ड करके दिखाती हूँ केक को। आराम से धीरे से केक को निकाल लेना है और ये देखिए केक बिल्कुल डन है। और ये केक देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी इतना ही मजे का होता है। आप अंदाजा ही नहीं कर पाएंगे ये केक विदाउट मैदा और विदाउट शुगर बना हुआ है। माँ सोएंगे नहीं क्या हम लोग? हाँ सोएंगे क्यों नहीं, जा सो जा मेरे रूम में सो जा। उस रूम में क्यों नहीं? दीदी ने कहा है चुनू को नहीं आने देना है। ऐसे नहीं होता, मुझे पता है दीदी कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है, इसका मतलब ये थोड़े मैं आ नहीं सकती। सरप्राइज प्लान नहीं कर रही है चुनू, कुछ काम कर रही है लगता है। मैं शक्ल पे यहाँ पे कभी वकूफ लिखा है मैं कैसे मानू सरप्राइज प्लान नहीं कर रही है। सरप्राइज प्लान नहीं करी बेटू, तू को नींद आ रही है? आ तो रही है। तो जाओ मेरे वाले रूम में सो जाओ। ये कोई बात नहीं होती, मुझे पता है आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। कुछ भी प्लान नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत मैंने घर इसलिए सजा लिया था ना ताकि कल थोड़ा सा आसानी रहे, कल कुछ करना नहीं पड़ेगा। अच्छा ऐसे कैसे मान लो, बट ठीक है मैं जा रही हूँ सोने, उसी रूम जा रही हूँ। सो जाओ जाओ। दिनेश जी केक ले आइए जल्दी से, जल्दी फटाफट 12 बजने वाले हैं, जल्दी से। हाँ वो हम उसको उठाने चले। हाँ जाओ उठा के लाओ, चुनू को उठा के लाओ। देखिए यहाँ पर चुनू जगी हुई है, जगी हुई क्या? मैं जगी हुई थी लेकिन मुझे पता था कि आप लोग बिना मेरा मुझे उनका भी रिप्लाई दीदी, क्या कर रही है अकेले बैठ के रूम में? लोग मैं ड्रामेबाज हूँ, अगर मैं घर में ड्रामा नहीं करूंगी तो कोई नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से आ जाओ। ओके रुको। तो जैसे मेरे बर्थडे के टाइम पे चुन्नू होस्ट थी, तो आज के इवेंट की होस्ट है इवेंट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग चुन्नू? मेरा सबसे पहला इवेंट होना चाहिए टशा हंट, लेकिन मुझे किंग्स लेवी की चल रही है। जी नहीं, बर्थडे बॉम ऐसे नहीं देते, तो पहले केक काट लो ना। आज का पहला इवेंट है केक कटिंग। ये है फ्रूट केक जो मैंने बनाया है, तो सरप्राइज नहीं देती है, सब पता है। आप लोग ऐसे क्यों हो? कम से कम एक्टिंग तो कर लो सरप्राइज की। आप लोगों ने इतना सारा काम करा, मैं सो रही थी, ऐसा कैसे हुआ? हो गया है फ्रेंड्स को खिलाई, हमारे सारे फ्रेंड्स को रुको बड़ा सा खिलाओ। हाँ बड़ा सा ना, ये आप लोगों के लिए है, फ्रेंड्स आप सबके लिए, और सरस्वती को खूब सारा ब्लेसिंग्स देना प्लीज, और लाइक भी कर देना प्लीज। लाइक तो बनता है। हाँ चुन्नू के लिए 1 लाइक तो बनता है, ब्लेसिंग्स और लाइक दोनों बनता है, जरूर कीजिएगा। दोनों बनता है, ब्लेसिंग्स दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। दैट इज सो इन सिंक। कर दे बिकॉज तुझे इतना शौक है होस्ट बनने। बेड अगेन, आई एम द होस्ट एंड यू आर माय दोस्त। दैट वाज सो गुड, तूने कहा था लेक्चर होना ना, मेरे दिमाग में एकदम से आ गया, तेरे दिमाग में आसा आ गया। हां वाह, मेरे चीज पहले बैलून ब्लास्ट शुरू कर दो। तो चलो आप पहले ट्रेजर हंट खेलना चाहते हैं, फिर जो मैंने मैसेजेस लिखे वो पढ़ना चाहते हैं। खुद लिखे हैं कि कहीं से देखे? नहीं खुद लिखे हैं, मैंने खुद ही लिखने की कोशिश की है थोड़ी बहुत। हाँ मैंने मैसेजेस पढ़ी लेकिन लिखे पढ़ो 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 पढ़ो
ये तो पढ़ सकते हैं ना ब्रो. ओके चुन्नू यू आर द क्यूटेस्ट आई लव यू. ये वाला तो इजी वाला स्टार्ट किया तुमने. मेरा मूड खराब कर रही है तुम. फिर से पढ़ो. चुन्नू यू आर सो अंडरस्टैंडिंग. आई नो दिस वन. नो आई एम जस्ट किडिंग. आई लव यू. थैंक यू सो मच. ये लिखा किसने? तूने लिखा ना. हां इसमें बड़े निशाने था. आई वाज सपोज टू कट. ओके greatest gift I have ever gotten from my papa. ये मम्मी पापा की तरफ से. अच्छा ये मम्मी पापा की तरफ से. ये पूरी फैमिली की तरफ से. ये तो क्यूट है. थैंक यू. जो मेक यू स्माइल मेक्स आवर डे मॉम पापा. थैंक यू. नेक्स्ट यू एंड मी आर टुगेदर. ऑल सो क्यूट. आई एम ऑलरेडी क्राइंग. नेवर अपार्ट समटाइम्स इन डिस्टेंस. Oh, so cute. I'm already gonna cry. I'm not gonna read anymore. Okay, this one's also okay, you're my best friend, my human diary. You don't have any other diary? No. Yeah. But you're the first human diary. I'm my other half. You mean the world to me. I love you. Love you too. There are others also. You just say you mean the world to me too. You mean the world to me too. Yeah. I love you, my angel, my papa. Thank you. बहुत खरीदे. ओके और जो ये काफी नहीं थी जो उसमें घुसा ली. अच्छा नहीं मुझे यहाँ पे क्यों घुसाया. बट जो गिफ्ट तेरे के साथ चलेंगे कि तेरे गिफ्ट पे ऐसे ही सिर्फ चिपके होंगे. बापरे इतना सोचा कैसे तूने? हाँ बोल आगे. ओके दिस इज नॉट बेस्ड ऑन हिज सॉन्ग. दिस इज जस्ट अ रैंडम क्लू. यू जस्ट हैव टू रीड दिस. इन बिटवीन बलून्स ही नहीं पूरे घर में बलून्स हैं. दिया अभी इस रूम में ज्यादा बलून्स हैं. इस रूम में सब बलून्स के सारी साइड पे हैं. देख और कहाँ पे कोई चीज हो सकती है. अभी खोलने के बाद में लेकिन वहाँ पे है. उसके नीचे उठाओ 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 उठाओ. अच्छा रुको एक ही है वहाँ पे. अच्छा एक ही है. एक क्लू एक गिफ्ट. एक मिनट स्टॉप. इस पे कुछ लिखा है. पढ़ो क्या लिखा है. इस पे लिखा है आई लव यू मोर देन यू विल एवर नो. दिस इज सो क्यूट. थैंक यू. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्लू नंबर वन. क्लू नंबर वन इज नक 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 माय डोर. नहीं नक माय ड्रॉर. या नक माय नक माय ड्रॉर. नॉक आर ड्रॉर. नॉक आर ड्रॉर. उसमें ऑलरेडी मिल गया. क्या मिला? ये वाला क्यू. Which says, sorry, क्यों नहीं ये वाला gift? Which says world's best sister. Okay. Okay, I'm sorry. You're gonna love the most the clue. Why? Just because of the song that I used. Oh, I already love it. Okay, read the one. This one. Search for this gift at a place where I spend most of my time. Where you spend most of my time? Yeah. It's in that room. Okay, that's right. Be savage. Oh my god. Like this one, right? Yeah, I'm gonna wear this soon. I knew it that you were going to love this one the most. I'll open the gifts now. It's hard. Can I find it? Wow. I got one for myself also. Yeah, I saw. Jabhi aaya tha na. Yeah. So there were two of these. Okay, this is a cute one. Okay, this is my favorite gift. तो कैसा लगा आज का व्लॉग फ्रेंड्स? कमेंट में बताना जरूर. प्लीज कमेंट करके बताना और प्लीज लाइक कर देना. और आज का व्लॉग फिर हम लोग यही खत्म करते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है. तकरीबन 2 o'clock हो रहे हैं. मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. सबा खैर. टेक केयर. बाय. लाइक करना मत भूलना.